हेलो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू रेसिपीज़। आज मैं बचे हुए सामान से एक नया अच्छा डिश बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मेरे पास कुछ ब्रेड पड़े हुए थे, जैसे 4 ब्रेड के टुकड़े, उसको मैंने ऐसे सर्कल में काट लिया है। और ये बचा हुआ आलू है, जैसे मैं टिक्की बनाई या सैंडविच बनाते हैं तो इसमें नमक, प्याज और गाजर है, और कुछ भी नहीं है इसमें। धनिया की चटनी है। ये जो ब्रेड मैंने काटे हैं ऐसे सर्कल में, उसके जो ये टुकड़े हैं उसको हम लोग क्रश कर लेंगे, ब्रेड क्रम्स बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। धनिया की चटनी, ये भी कभी बच जाती है, अगर नहीं बची है तो ये तो तुरंत पीस सकते हैं आप। और इस आलू में मैं ये होममेड आधा चम्मच चाट मसाला मिला देती हूँ। मेरे चैनल पे आप देखेंगे, मल्टीपर्पज़ चाट मसाला के नाम से एक है, वो बहुत काम आती है। ये देखिए, मैं आधा चम्मच इसमें डाल देती हूँ और इसे मिला लेती हूँ। आपके पास जो भी आलू पड़ा हुआ है उससे, और एक चम्मच इस चम्मच से मैदा, और उसमें पानी डाल के मैंने इस तरह से घोल बना लिया है। अब हम बनाते हैं। इस पे सबसे पहले हम ब्रेड पे चटनी लगाएंगे। आप टोमेटो केचप भी, बच्चे को पसंद है तो वो भी लगा सकते हैं, पर चटनी के साथ अच्छी लगती है। और ये आलू जो है, इसमें नमक, चाट मसाला, प्याज, कद्दूकस किया हुआ, गाजर डला हुआ है। लेफ्ट ओवर कोई भी आलू है या नहीं है आलू, तो आप नया आलू यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बची हुई थी ये सब सामग्री, तो मैं बना दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर फिर रख देंगे। ये रेडी हो गया। अब दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जो बची, और अगर आलू बच जाती है तो उसकी टिक्की भी हम घोल में, मैदे के घोल में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के उसको भी हम तल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसको कोट करते हैं मैदे के घोल में। हम ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, इस तरह से हम, ये देखिए, लास्ट ब्रेड था मेरा बचा हुआ। देखिए, एक तरफ से ये ब्राउन है, वन बाय वन उसको कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। और मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए दे रखा, उस पर 2 बड़े चम्मच रिफाइंड मैंने लिया है। अब चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया गरम, अच्छे तरीके से गरम होनी चाहिए। और इसे मीडियम हीट पे सेलो फ्राई करेंगे हम लोग, गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। इसे आप चटनी, सॉस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी और झटपट बनने वाली। आलू पराठा बनाते हैं, उसका आलू बच जाता है, उसमें कुछ नहीं, चाट मसाला डाल दें और फिर इसको बना लें। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गया, क्रिस्प भी हो गया है ये। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए, रेडी हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये, थैंक यू।